देश की राजधानी दिल्ली को न्यू इंडिया की आधुनिक राजधानी बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली में कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। एक विश्व स्तरीय टनल और 5 अंडरपास का कल उद्घाटन किया गया, जो दिल्ली एनसीआर के निवासियों और देश दुनिया से दिल्ली आने वाले लोगों को यातायात और प्रदूषण की समस्याओं से राहत तो देंगे ही, साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण साबित होगी। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। ये योजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का ही अंग थी। इसके तहत मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस पूरे कॉरिडोर का अवलोकन किया। इसकी कुल लागत 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह शहरी बुनियादी ढांचे को बदलने के माध्यम से लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी विकसित होती सुविधाओं से दिल्ली जैसे शहरों पर दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि देश में बढ़ रहे शहरों को योजनाबद्ध तरीके से तैयार करने की जरूरत है और ये शहर आज के अवसर हैं। आजादी के अमृत काल में देश के मेट्रो शहरों के दायरे का विस्तार करना, टियर 2 टियर 3 शहरों में बेहतर प्लानिंग के साथ काम करना आवश्यक हो गया है। आने वाले 25 साल में भारत के तेज विकास के लिए हमें शहरों को ग्रीन, क्लीन और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। और हम मान के चले अर्बनाइजेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब अर्बनाइजेशन को मुसीबत मानने के बजाय अर्बनाइजेशन को एक अवसर मान करके हम प्लानिंग करेंगे तो देश की ताकत को अनेक गुना बढ़ाने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। और हमारा फोकस यही है कि हम अर्बनाइजेशन को अवसर माने। ट्रांजिट कॉरिडोर की मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला मार्ग से गुजरती हुई रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। ये टनल प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक भी पहुंचती है। सुरंग के अंदर स्मार्ट फायर प्रबंधन, आधुनिक वेंटिलेशन और स्वचालित जल निकासी, डिजिटल रूप से नियंत्रित सीसीटीवी और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी नवीनतम वैश्विक मानक सुविधाएं लैस हैं। वहीं इस सुरंग की दीवारों पर भारत की सांस्कृतिक विविधता को बखूबी दर्शाया गया है। एक जो मैं अंदर टनल देख करके आया तो मैं कह सकता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की वजह से केंद्र, राज्य व संबंधित विभागों के बीच में बेहतर समन्वय होने की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने बताया कि कई मुख्य सचिवों ने हाल में ही हुई बैठक के दौरान गति शक्ति की अहमियत की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 साल में मौजूदा केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का आधुनिक विकास किया है। उन्होंने बताया कि साथ ही पर्यावरण की चुनौती को भी इस दौरान ध्यान में रखा गया है।